हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर में है क्या लीनियर इक्वेशन, क्या होती है लीनियर इक्वेशन, को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। पहले की क्लास 8th में भी थोड़ा बहुत लीनियर इक्वेशन आपने कुछ डिस्कस किया होगा, कुछ उसको प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। तो उसी बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसको इक्वल टू करके कुछ दिया होता है। मतलब अगर अगर एक हम लिखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है और इक्वल टू में कुछ दिया हुआ है, इधर कुछ दिया हुआ है उसके इक्वल टू करके उधर, जैसे इधर का हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसी चीज को हम इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जब हमारी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर 1 होती है, क्या होती है, पावर 1 होती है, तो ये लीनियर हो जाती है। और ऐसी एक्सप्रेशन के अगर इक्वल करके कुछ दिया हुआ है तो उधर क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन हो जाती है। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली जो हम एक आसान भाषा में कहें तो एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी सबसे बड़ी पावर, जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो 1 होती है, ठीक। और उसके इक्वल करके कुछ जब दिया होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल अगर हमने लिखा था 2i प्लस 5 इज इक्वल टू 10, ये तो ये हो गया हमारा वेरिएबल है, y हमारा क्या है, वेरिएबल है 2, इसमें मल्टीप्लाई हुआ जो कि कांस्टेंट है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, इक्वल टू 10 दिया हुआ, ये भी एक टर्म, ठीक। इसमें जो वेरिएबल y है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 y की पावर 1 है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और इसमें कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है जो कि y है, ठीक, एक वेरिएबल है जो कि y है, इसीलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक। अब अगर हमको 2 वेरिएबल में करना है जहां 2 वेरिएबल होंगे तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये एक इक्वेशन कर सकते हैं। इसमें एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, और दोनों की पावर क्या है, यहां भी 1 यहां भी 1, इसीलिए ये क्या है, लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 2। ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, बहुत आसान है। इसमें एक्सरसाइज जो 4.1 है इसमें आपको इक्वेशंस फॉर्म करके, ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब लीनियर इक्वेशन की एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो देख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है, हम यहां से कंपेयर करें, अगर इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख दें, ये 8 को इधर 8 था, अगर इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, 8 उधर से इधर आएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। अब जब हम कंपेयर करते हैं तो a की क्या वैल्यू हो जाएगी, a इज इक्वल टू 2, b की क्या वैल्यू हो जाएगी, b इज इक्वल टू 3, और c इज इक्वल टू -8। तो ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है, देख लेते हैं, आइए ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक बार फिर से डिस्कस कर लीजिए, देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 होती है, ठीक, और उसके इक्वल, उस इक्वेशन के इक्वल करके कुछ दिया होता है तो वो हो जाती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन
वन वेरिएबल, और अगर उसमें दो वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ x और y दो वेरिएबल है जिसके इक्वल टू करके 8 दिया हुआ है, दोनों की पावर यहाँ 1 है, x की भी पावर 1, y की भी पावर 1, तो जब दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 होती है ठीक, तो वो हो जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कह रहा है जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट एंड टेक द नोटबुक कॉस्ट टू बी एक्स रुपीज एंड दैट ऑफ द पेन टू बी वाई रुपीज। मतलब हम क्या लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई रुपीज। एक नोटबुक का दाम हम एक्स रुपीज मान लेंगे, दूसरे का वाई रुपीज मान लेंगे। अब यहाँ क्या कहा है कि जो क्वेश्चन के हिसाब से जो कहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक का दाम है वो पेन की दाम का डबल है, तो अगर हम पेन के दाम को डबल करें, यहां हम लिख देंगे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, पेन का दाम का जब हम डबल करते हैं तो नोटबुक का दाम आता है, यही है ना कि जो नोटबुक है वो क्या है, पेन का के दाम का दो गुना है, तो पेन का दाम अगर वाई है, वाई का हम दो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स, ये हो जाएगा टू वाई इज इक्वल टू एक्स। ये हो गई हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही हमको इसका आंसर यही फाइंड करना था, इक्वेशन ये हो जाएगा इसका आंसर ठीक। देख लेते हैं फिर से एक बार, नोटबुक की कॉस्ट को एक्स माना था हमने, पेन की कॉस्ट को वाई माना था, और क्वेश्चन में कहा था कि जो नोटबुक का दाम है वो पेन की कॉस्ट का जस्ट डबल है, तो हमने पेन की कॉस्ट का डबल कर दिया तो किसका दाम आ जाएगा, नोटबुक का दाम आ जाएगा, तो नोटबुक का कॉस्ट एक्स रुपीज था तो टू वाई इज इक्वल टू एक्स। हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, बहुत आसान है ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेकंड कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जो इक्वेशन दी है उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में एक्सप्रेस करो और ए बी सी की वैल्यू भी निकालो। पहला पार्ट जो है वो क्या है, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर 12 ठीक है। अब हम इसको कांस्टेंट टर्म को ले आ देते हैं इधर, तो जाएगा 2x प्लस 3y 9.35 आ जाएगा इधर माइनस 9.35 के ऊपर 12 लगा देंगे इज इक्वल टू जीरो, उधर कुछ नहीं बचेगा जीरो हो जाएगा। अब हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं ठीक है, ax था यहाँ पे 2a है तो a की क्या वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, 3y by तो b की क्या हो जाएगी b इज इक्वल टू 3, कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस 9.35 के ऊपर 12, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस में लिखते हैं, माइनस है तो माइनस में लिखते हैं ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो ऐसे ही आप लोग एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर लेंगे, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे, थैंक यू।